ओके तो गाइस आप सब कह रहे थे नया चैनल नया चैनल। वैसे मैं ही कहता नया चैनल, तो मैंने बना लिया नया चैनल और आज से इस पर रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, BGMI का। तो आज का मैं आपको अचीवमेंट बताता हूँ। आज का अचीवमेंट है ब्लेड इन हैंड 4। कैसे करें वो बहुत इजी तरीके से, तो मैं बताता हूँ आज कैसे करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, हर एक स्टेप को फॉलो करना, तब जाके कुछ होगा और बहुत इजी तरीके से होगा, वरना सब धरे के धरे हैं, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी और देखते रहो वीडियो पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ गेम में, ध्यान दो आप गेम में भाई। तो गाइस ये था हमारा राउंड 2, क्योंकि राउंड 1 रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, मुझे याद नहीं था कि राउंड 1 भी रिकॉर्ड करना है। तो राउंड 2 में ये है प्रवेश, जस्ट मेरे बगल में है, पानी में तैर रहा है, मजे कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है सुनो, सिंपल सा है, अपने को बस ब्लेड पकड़ के रखना है, ठीक है, और गन वन कुछ फायर नहीं करना है अपोनेंट पे। अगर तुम अपोनेंट पे गन से फायर वायर करते हो तो तुम्हारा मिशन काउंटर नहीं होगा, ठीक है। और तुम्हारा डायमंड 5 होना चाहिए कम से कम, और डायमंड 5 के बाद तुम्हें केवल बस ब्लेड यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं प्रवेश को बोलता हूँ कि प्रवेश भाई इधर आ, क्योंकि इधर थोड़ा सेफ एरिया है। और आखिरी के बस 4 बचे थे, जिसमें से प्रवेश और मैं हम 2 थे, और बाकी वो 2 थे और, तो एक दूसरे को मार देता है। आखिरी में बस हम 3 बचते हैं। तो प्रवेश को कहता हूँ, ले प्रवेश पकड़ गन वन, तुझे जो चाहिए पकड़, और लेकिन आखिरी वाले को मार, ठीक है। प्रवेश क्या करता है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए गन वन, मैं ऐसे जाऊँगा, मेरे पे है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू जा रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ जा, लेकिन मेरी को चिकन चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है ठीक है भाई, बिल्कुल चिकन होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा होगा, देख ले जाएगा। तो यहाँ पर वेट करते अगले जोन का, और प्रवेश यहाँ पर भी वेट कर रहा है। फिर मैं प्रवेश को कहता हूँ, एक काम कर प्रवेश, सुन मैं आगे जाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आगे जाऊँगा अभी, और तू मेरे को पीछे से कवर फायर दियो अगर कोई मुझे मारता वारता है, क्योंकि मेरे हाथ में तलवार रहेगा, तो इसलिए। तो ठीक है, तो बाकी अब मैं प्रवेश को बोल देता हूँ। तो हम दोनों वेट ही कर रहे होते हैं फ़िलहाल अभी जाने के लिए। तो मैं कहता हूँ चल भाई ठीक है, मैं चल रहा हूँ। फिर मैं ऐसे आगे जाता हूँ इस साइड, और आखिरी वाला कहाँ है मुझे उसका लोकेशन का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो प्रवेश भी मेरे साथ साथ आ जाता है, कहता है भाई तू जा, मैं वहाँ। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। फिर यहाँ पर देखो प्रवेश के साथ भाई क्या हो गया कसम से। और फिर मैंने ध्यान दिया कि वो बुलेट पड़ी पीछे से। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर एनिमी है, तो मैंने उसके साथ थोड़ा टीम अप करने की कोशिश करा। मैंने कहा क्या पता टीम अप करके मान जाइए, लेकिन टीम अप वीमअप नहीं करता ये मार पिटाई में आ जाता है। और फिर उसके बाद ये भी टीम अप के लिए आ ही रहा होता, तभी मैं से चक्कू मारता हूँ और गेम ख़त्म, खेल ख़त्म। ये अपना निकल गया तलवार से पहला मैच, ठीक है। ऐसे ही एक और मैच पहला निकला था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं, तो मैं डायरेक्ट से दूसरे मैच में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट तीसरे मैच में ले जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रूल बता दूँ। इसका नॉर्मल रूल है, कुछ भी एक्स्ट्रा रूल नहीं है, बस तलवार का यूज़ करना है और मिली वेपन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ना थोरेबल यूज़ करना है, ना मॉली यूज़ करना है, बस मिली वेपन। मिली बोले तो तवा हुआ, और जो दूसरा है वो अपना है तलवार। तलवार लेना ज़रूरी है, क्योंकि तलवार होगा तभी कुछ होगा, वरना नहीं होने वाला कुछ, ठीक है। तलवार ज़रूरी है, तलवार लेना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ब्लेड इन हैंड है। तो इधर देखो जैसे कि 2 हो चुका है मेरा यहाँ पर, तो आखिरी तीसरा है, ठीक है। तो तीसरा अब करते हैं, ले चलता हूँ मैं आपको अगले मैच में, ठीक है, चल। तो ये है अपना लास्ट और फाइनल मैच, इसमें प्रवेश पहले ही मर चुका है, और प्रवेश अपने घर भी जा चुका है। प्रवेश मेरे साथ भी नहीं है कि कुछ बता सके कि भाई टीममेट कहाँ है, कौन कहाँ है, कुछ मुझे लोकेशन का अंदाज़ा नहीं है। आखिरी के बचे 3 लोग, जिसमें से एक मैं हूँ, आगे के 2 हैं। मैं वेट करता हूँ, 2 के 2 भिड़े और एक दूसरे को मार देता है, बचा आखिरी का एक। अब यहाँ इंटेंस मोमेंट है, पूरा फुल मैच देखना कैसे यूज़ करना है ब्लेड का, यहाँ मेन इम्पोर्टेंट पता चलेगा, ठीक है। तो पूरा देखो इस वीडियो को, ठीक है। तो ईयरबड लगा रखे होते हैं मैंने, लेकिन फिर भी मुझे लोकेशन का कुछ अंदाज़ा नहीं होता है। मैंने देखा सामने स्मोक हो रहा, तो मैंने भी कहा चलो भाई इसी बीच में अपना भी स्मोक मार दूँ मैं मार देता हूँ, ठीक है। फिर मैं तो इस तरफ और इस तरफ मुझे लोकेशन मिल जाता है। और अब यहाँ मेन ब्लेड का यूज़ देखो, उसकी सारी बुलेट हवा की तरह गायब, और वो भी हवा की तरह गायब। तो
ऐसे ही लेना है भाई, यही चिकन चाहिए और कुछ चिकन नहीं चाहिए, ठीक है? तो बस ऐसे ही करना है और ऐसे ही चिकन लेना है। जितना हो सके उतना कैंपिंग करो, दबा के कैंपिंग करो, आखिरी वाले को खुल के मारो जैसे कि मैंने मारा है। लेकिन उसकी बुलेट भी डॉच कर लेना, पता चला भाई मारने के चक्कर में बुलेट ही नहीं डॉच हुई, क्या कर रहे हो? व्हाट इज़ द M249 हुई तब फिर मेरी ट्रिक काम नहीं आएगी, क्योंकि M249 के आगे कोई बोल सकता है क्या? ओ भाई ठीक है, तो ठंड ही लग रहा है भाई, सुबह का टाइम है, मैं बोला नहीं जा रहा है कसम से, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं वीडियो बना लेता हूँ। तो पहली वीडियो है और जैसे कि देख सकते हो आप, ब्लेड इन 4 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको अचीवमेंट में भी लेकर दिखा देता हूँ कि जैसे कि ब्लेड इन 4 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये रहा, यहाँ प्रवेश कलेक्ट करेगा, तो क्योंकि प्रवेश की आईडी है भाई, मेरा नाम शुभम है, तो मैं कलेक्ट नहीं कर सकता, दैट्स वाई मैंने कहा कि ले प्रवेश तो कर। बाकी तुम ये देख लो मेरा मेन, कि आज 2 तारीख है, ठीक है, और अभी रात के 9:21 हो रहे हैं और 2 फरवरी है, 30 दिन और चलेगा, 30 से 39 दिन और चलेगा, ये मैं कन्फर्म नहीं जानता कितने दिन है, ठीक है? तो इतने दिनों के अंदर जितना करना है कर लो गाइस, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम है, तो इसके अंदर जितना निकाल सकते हो निकालो, ब्लेड वाला करो अचीवमेंट, कर लो कलेक्ट 100 पॉइंट्स। बाकी मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो का टॉपिक है सेंसी, सेंसी पे मिलते हैं, ठीक है? सब्सक्राइब भी कर लेना, चलो।